Today we are going to discuss self ionization of water. Self ionization या auto ionization of water क्या चीज है? So the reaction in which two molecule of water produce ions is called self ionization या उसको हम कहते हैं auto ionization of वाटर. नाउ हमारे साथ जो प्योर वाटर होता है तो वो बहुत कम एक्सटेंट तक एच आयन और ओ एच आयन देता है. यहां पे मैं लिखता हूं एच टू ओ प्लस एच टू ओ, सो इट गिव एच थ्री ओ प्लस प्लस ओ एच माइनस आयन. सो इसकी आयनाइजेशन बहुत कम है. अगर मैं ले लू यहां पे एक कंटेनर में या एक बीकर में मैं वाटर ले लू, तो एक्सपेरिमेंटली ये बात प्रूव है कि जो एच आयन की कंसंट्रेशन है और ओ एच आयन की कंसंट्रेशन है तो ये 10 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आयनाइज. 10 मिलियन में सिर्फ एक मॉलिक्यूल आयनाइज होता है. H2O में सिर्फ 10 मिलियन में एक मॉलिक्यूल आयनाइज होता है एच आयन और ओ एच आयन में. नाउ मोर आसानी पैदा करने के लिए, ज्यादा आसानी पैदा करने के लिए मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं H2O. सो एच गिव एच प्लस प्लस ओ एच माइनस आयन. अभी हमारे साथ कंसंट्रेशन हमारे साथ बराबर है नंबर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, नंबर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट. अभी 10 मिलियन में हमारे साथ 1 मॉलिक्यूल आयनाइज होता है तो वो एक एच देता है और एक ओ एच देता है. तो अगर मैं ले लू एच आयन कंसंट्रेशन में ले लू एच आयन तो ये 10 मिलियन में 1 के बराबर है, 1 एच आयन है और 10 मिलियन हमारे साथ 10^7 बराबर है. या इस तरह भी मैं लिख सकता हूं कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 10^-7. सो दिस 1 मॉलिक्यूल सॉल्यूट जो कम मिकदार में है इसमें, और जो ज्यादा मिकदार में है जो अनआयनाइज्ड है तो है सॉल्वेंट, तो 10 मिलियन है. इसी तरह अगर मैं OH आयन ले लूं OH आयन कंसंट्रेशन तो वो भी 10 में से 1 है, 10 मिलियन में से 1 है, तो 1 आउट ऑफ 10 मिलियन तो ये हमारे साथ बनता है 1 मल्टीप्लाइड बाय 10^-7. सो दिस इज एच आयन कंसंट्रेशन एंड दिस इज OH आयन कंसंट्रेशन. नाउ हमारे साथ इस रिएक्शन का केसी, जो केसी हमारे साथ है केसी इज इक्वल टू, हम प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं एच आयन कंसंट्रेशन और ओ एच आयन कंसंट्रेशन. डिनोमिनेटर में H2O दैट इज रिएक्टेंट. और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि केसी इज इक्वल टू केसी एन टू H2O कंसंट्रेशन और हमारे साथ है एच आयन कंसंट्रेशन और दूसरा हमारे साथ है ओ एच आयन कंसंट्रेशन. नाउ दिस केसी ये हमारे साथ बराबर है वाटर कांस्टेंट के बराबर है KW. तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं KW इज इक्वल टू एच आयन कंसंट्रेशन और हमारे साथ हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन. या हम लिख सकते हैं कि KW इज इक्वल टू एच आयन कंसंट्रेशन हमारे साथ बराबर है 1 मल्टीप्लाइड बाय 10^-7 और इसी तरह OH आयन कंसंट्रेशन हमारे साथ बराबर है 1 मल्टीप्लाइड बाय 10^-7. तो KW हमारे साथ बराबर है 1 मल्टीप्लाइड बाय 10^, दोनों हमारे साथ ये हमारे साथ 1 मल्टीप्लाइड बाय 10^-14 या KW इज इक्वल टू हमारे साथ 10^-14. सो दिस इज KW वाटर कांस्टेंट इसकी वैल्यू. सो दिस इज द डिराइवेशन फॉर सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर या इसको हम कह सकते हैं ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर.